तो वेलकम बैक गाइस, फिर से स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जिसमें हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट में हम पीसी में खेल रहे हैं। पीसी का मेरा सर्वाइवल सीरीज अलग से है, मोबाइल का अलग है, पीसी का अलग है। तो ये पीसी का सर्वाइवल सीरीज, इसमें मैं रह रहा था गांव वालों के घर में, पर यार गांव वालों का अलग ही नाटक चलता है कि भाई आज हम सोएंगे, ऐसे करके वो मुझे सोने नहीं देते बेड पर, और मैं सोता हूँ बेड पर तो मेरे सर पर आकर खड़े हो जाते। भाई अब ये कैसे गाँव वाले, मुझे अपनी पता पड़ा, अब मुझे ना अपना घर बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि कब तक मैं गांव वालों के भरोसे रहूँगा, कब तक मैं इनके घर में रहूँगा, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं बनाऊँगा अपना खुद का घर। तो चलो भाई चलते हैं अपना खुद का घर बनाने के लिए। अब सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले मुझे अच्छी जगह चाहिए यार घर बनाने के लिए। अच्छी जगह कहाँ यार, थोड़ा खुल्लम एरिया मिल जाए, खुला एरिया जहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मेरा यही काम है यार, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है मुझे, ठीक है, आराम से करेंगे। तो गाइस सबसे अच्छा एरिया ना मुझे ये वाला लग रहा है, ये थोड़ा बहुत फिनिशिंग, मतलब कि थोड़ा बहुत प्लेन है, ठीक है। इधर मुझे कुछ भी ज़्यादा ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, मुझे जितना एरिया चाहिए इतना एरिया यहाँ पर है। मुझे 16x16 का एरिया चाहिए, मतलब 16x16 का दो लाइन 16 की चाहिए, एक 8 की चाहिए, दो 8 की चाहिए, मतलब कि 4 लाइन 8 के खींचने, ठीक है, और 16x16 के दो बड़ी 16x16 की करना है। तो चलो मैं बताता हूँ डिज़ाइन बना के, ठीक है। मैं पूरा ये गड्ढा है ना, गड्ढा करके मैं तुम सबको बताता हूँ कि मुझे कैसी जगह चाहिए। तो चलो जल्दी से मैं करता हूँ पूरा माइन। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी मुझे गड्ढा करना था मैंने एक पूरा गड्ढा कर दिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या, ये गड्ढे में ना पूरा स्लैब भरने, मतलब जो स्लैब होते हैं ना वुड स्लैग, जो प्लैंक होते हैं, प्लैंक के स्लैब जो होते हैं वो भरने, ठीक है। तो चलो प्लैंक भरते। तो गाइस चलो मैंने यहाँ पर प्लैंक भी भर दिया, मेरा पूरा काम हो चुका है, प्लैंक भर दिया मैंने यहाँ पर, सब कुछ कर दिया। अब बस काम बचता है, क्या काम बचता है, काम बचता है यहाँ पर आसपास वॉल लगाने का, वॉल। और वॉल में लगाऊंगा व्हाइट वाले से या फिर येलो वाले से, देखते व्हाइट वाले से लगाते या येलो वाले से लगाते। मेरे हिसाब से येलो वाले से ना पिलर टाइप बनाते, मतलब जो कॉर्नर में होता है ना येलो वाले से पिलर बनाते। तो चलो भाई येलो वाला मैंने ये ले लिया, मतलब कि जो भी कंक्रीट का पाउडर है ये लगाते हैं यहाँ पर। अब मुझे करना क्या है, मुझे ना चारों साइड जितनी भी साइड है ना हर कॉर्नर पर ना एक एक पिलर बनाना है। तो चलो बनाते। तो गाइस मैंने यहाँ पर पिलर बना दिया हर साइड, बस एक साइड और बाकी है, तो इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। इधर भी जल्दी से एक पिलर लगा देते, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा चलेगा यार, खाना खा लेते पहले यार, मैं कूद कर ही मरे जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर भी पिलर लगा दिया, ठीक है, वापस से कूद कर, अरे यार वाटर बकेट करने गया, वाटर बकेट उसका अंदर चले गया, मेरा पूरा पानी जमीन के अंदर चले गया, स्लेब लगाए ना इसलिए यहाँ पर वाटर बकेट काम नहीं आ रहा है। तो मुझे करना क्या है, इन सबको गीला करते, मतलब कि जो भी पिलर है ना इन सबको गीला करना पड़ेगा, अच्छा सा एक मॉडर्न हाउस बनाना है, थोड़ा अलग ही डिजाइन है। तो गाइस मैंने सारे के सारे पिलर को गीला कर दिया। अब मुझे करना क्या, मुझे व्हाइट कंक्रीट से पूरी वॉल बनानी, मतलब चारों साइड एक एक वॉल बनानी है व्हाइट कंक्रीट से। तो चलो यार वॉल भी बना के मिलते हैं, जल्दी जल्दी करना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने दो वॉल बना दी, मतलब कि उस साइड की दो वॉल तो बना दी, अब इधर की भी बनाते हैं, चलो जल्दी से। इधर की वॉल मुझे थोड़ा बहुत डिजाइन टाइप बनाने की इच्छा है, तो रेड कंक्रीट से बनाए क्या, थोड़ा सा रेड कंक्रीट से ना मतलब लाइन टाइप खींच देते, अलग सी लाइन, ठीक है। तो रेड कंक्रीट से इधर लाइन खींचते, दो ब्लॉक छोड़कर खींचे, एक ब्लॉक रुको देखते हैं, ठीक है, चलो एक ब्लॉक खींच कर करते, ठीक है, एक ब्लॉक छोड़कर करते। तो गाइस देख सकते हो ऐसा कुछ लुक आ रहा है भाई, पूरा का पूरा ना मैकडोनल्ड्स वाले फील दे रहा है, ये मेरा घर पूरा मैकडोनल्ड्स वाला बनने वाला है। तो चलो इधर भी लगाते पिलर। तो गाइस मैंने पिलर तो लगा लिए थे, अब मुझे करना क्या है, मुझे अब यहाँ पर सारा का सारा वो खाली करना अपना, और स्लेब लेने, ठीक है, स्लेब और ग्लास व्लास बनाने। तो ग्लास भी बना लेते, ब्लैक कलर के ग्लास बनाने, ठीक है, ब्लैक कलर के पूरे ग्लास बनाने, इसके अंदर डाई डालते और ग्लास बनाते। जरा यार वो वाले ग्लास मुझे बनाना सीखने, मुझे वो वाले ग्लास बनाते नहीं आते, वो जो पतले वाले वो बनाते नहीं आते यार, मोबाइल में अलग तरह से बनते तो मैंने कभी रेसिपी याद भी नहीं करी। तो चलो इसके अंदर देखते कैसे क्या बनते, मुझे समझ नहीं आ रहा यार कैसे बनेंगे भाई, कैसे बनेंगे ग्लास वो वाले, ऐसे कैसे बनेंगे यार, रुको देखते यार, वो वाले ग्लास बनाते नहीं आ रहे मुझे। तो गाइस आखिरकार मैं सीख गया वो वाले ग्लास बनाना, और मैंने बना लिए बहुत सारे ग्लास बना लिए यार, और थोड़े से बना लेते, ठीक है, चलो बहुत ही सारे ग्लास बना लेते, जितने ज़्यादा ग्लास हो सकते उतने ज़्यादा मैंने बना लिए,
और मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, ज़्यादा तो काम आएंगे भाई, ग्लास तो बहुत ज़्यादा मेन है क्योंकि यार ग्लास से थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जितनी भी खाली जगह है ना उधर हर जगह पर ना मैं बस ग्लास ग्लास भरने वाला हूँ। मतलब यार ग्लास के लिए मैंने वो बनाए थे तो ग्लास ही भरूंगा और क्या भर सकता हूँ। तो चलो भाई सारी जगह पर ग्लास भरने के बाद मिलते थोड़ी देर में, पहले तो मैं यहाँ पर ना पूरी पूरा ग्लास भर देता हूँ। ठीक है, तो अब चलो। तो गाइस देख सकते हो ग्लास भरने के बाद मेरा घर कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो ग्लास भरने के बाद कैसा लग रहा है मेरा घर। ठीक है, अब मुझे करना क्या, मुझे ना ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनानी, और चलो सीढ़ी भी लगाते हैं यहाँ पर। जितनी भी सीढ़ी ना सारी सारी यहाँ पर लगा देते हैं। थोड़ा बहुत उल्टा नीचे लग रही है, ये गलत चीज़ है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सीढ़ी लग रही है। तो गाइस मैंने सीढ़ी तो लगा दी, अब इसके ऊपर की जो छत है ना छत को भी कंप्लीट करते, क्योंकि यार छत तो कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो यार छत कंप्लीट करते हैं। तो गाइस देख सकते हो यार ये लुक कैसा आ रहा है। ठीक है, मैंने छत कंप्लीट करी और ऊपर की छत भी मैंने लगा दी। ठीक है, पूरा छत लगा दी। अब बस करना क्या है मुझे इस साइड ना ग्लास ग्लास लगाने, मतलब कि ये जो जगह है ना ये जगह ना बेकार लग रही है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ना ग्लास लगा देता हूँ, ब्लैक कलर के मेरे पास ग्लास है ना, तो ये ग्लास ना मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अच्छे लगेंगे, बेकार तो नहीं लगने वाले, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये ग्लास। ठीक है, बेकार नहीं लगेंगे भाई, मानो या ना मानो। तो चलो यार ग्लास खत्म हो गए, तो चलो आते और ग्लास लगाते सारे सारे, और थोड़ा बहुत और डिजाइन सोच लेते, मैंने सोचा ही नहीं है डिजाइन, वैसे सच बोल रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो इतना हमारा घर कंप्लीट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे गेट है, अंदर मैंने टॉर्च वॉर्च लगाई है, थोड़ी सी गेट खुल जाए, देखो इतना बड़ा घर है हमारा। नीचे से ऐसा दिख रहा है ये घर, और ऊपर से मैं दिखाता हूँ, ऊपर से भी मुझे बनाना है। ठीक है, ऊपर से भी बनाया नहीं है, ऊपर का भी फ्लोर बनाना है, मस्त सा ऊपर का फ्लोर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने ये सीमेंट लगा दी, गेट मतलब ये अच्छा लग रहा है, ये ऐसा आते हुए लग रहा है कि किसी घर में जा रहे हैं। ठीक है, और अब वहाँ से पूरी वॉल इकट्ठा करनी, मतलब वॉल बनानी मुझे। ठीक है, तो चलो वॉल बनाते हैं जल्दी से, ऐसे ऐसे करना है बस। चलो एक और वॉल हमारी तैयार हो गई है, देख सकते हो यहाँ पे ये वॉल और इकट्ठा मतलब तैयार हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ा फिनिशिंग के लिए मतलब कुछ अच्छा सा डिजाइन टाइप कर सकता हूँ, पर इच्छा हो रही कि इधर ब्लू ब्लू ना ऐसे, रुको यार एक काम करता हूँ, कहाँ गया हमारा ये येलो वाला, ये रहा येलो वाला, इसको इधर रखता हाथ में, रुको ये जैसे कि ये यहाँ पे ना ये डिजाइन, रुको इस डिजाइन को मैं काम कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ले जा सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसा अच्छा लगेगा, ये साइड लगा देता हूँ, फिर उस साइड वाली वॉल पे भी लगाना है क्योंकि कंक्रीट ये लगाया इधर, ऐसे ऐसे, रुको यार एक काम कर दो, रुको चलो लगा देते। ठीक है, अभी देखते क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मुझे बस आगे का लुक अच्छा चाहिए। ठीक है, आगे का लुक थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम अच्छा भी नहीं बट ठीक ठाक हो जाएगा, चलेगा। ठीक है, मुझे पता है एकदम अच्छा तो नहीं होने वाला है। सारे के सारे मुझे इस तरीके से बस सब पर पानी डालना है, फिर जरा मैं अपनी क्या बोलते हैं उसको भी बनाऊंगा, क्या बोलते हैं ग्लास के लिए भी, विंडो के लिए भी जगह बनानी, इनके अंदर अभी छेद भी करना है अभी, मतलब कि ये अभी फाइनल हो गया हुआ यार, ये तो अभी मैंने बस स्टार्ट करा है, बस करना मतलब स्टार्ट नहीं करा भाई, एंड होने वाला है। बस मुझे क्या करना है, बस ऊपर की छत बनानी है और हर जगह पर मुझे ग्लास लगाना है, जहाँ पर मुझे ग्लास लगाना हर जगह पर बस ग्लास लगाना है और ये फाइनल हो जाएगा। ये आखिरी बहुत मुश्किल है करना, पानी में खेलना, ये देख सकते हो भाई ये हमारा आखिरी का फिनिशिंग जो भी है टच बोल सकते हो, फिनिशिंग टच। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। अब मुझे करना कि यहाँ से ऐसे लेयर ली जानी, ऐसे ऐसे लेयर लानी है। ठीक है, उसके लिए मुझे काम करना है, रुको मैं बता, अरे भैया अभी नीचे गिर जाता, रुको इधर ना अंदर ना जितना भी ना, रुको पहले तो खाना खाता हूँ, यार गिर गई मेरा पूरा खराब होता पूरा हेल्थी बैंड लगी हुई है। और एक काम करता हूँ, ये जितने भी स्लेब, रुको ये रहा ना स्लेब, ये मुझे लगाना है छत पे, तो पहले ना ये लगा देता हूँ, और जितना भी ये कंक्रीट है, कंक्रीट ग्लास जो कुछ भी है, ठीक है सब कुछ मुझे लगाना है, मतलब सब कुछ मुझे इधर इधर लगाना है। ठीक है, जरा ना इधर से ना खिड़की बना देते हैं, क्योंकि खिड़की की तो बहुत ज्यादा जरूरत है इधर। ठीक है, ऐसी खिड़की जरा लगना चाहिए, खिड़की है भाई, इसको थोड़ा इस टाइप का बना, ठीक है, हाथ से
अब मेरी वो कहाँ गई, रुको ये कहाँ गई, याद है ये जो भी रही। ओ ये लग रही ना खतरनाक। अब जरा इस सेट से थोड़ा डिजाइन टाइप में बना सकता हूँ क्या, डिजाइन टाइप? रुको ऐसे से सिर्फ ऐसे नहीं यार, ये भी हो गया। अब इधर से रुको एक काम करता हूँ, ऊपर मैं आया ही हूँ तो एक काम करता हूँ ना, अपना जितना भी ये है इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है? स्लेब जितने भी स्लेब है इन सबको लगा देता हूँ। पर यार मुझे पता है एक काम और करना था, पर जान दो वो भी मैं करता हूँ आराम से। पहले स्लेब लगा देता हूँ, जितने भी स्लेब है सारे का सारा स्लेब ऐसे लगा देता हूँ। बाहर से देख कैसा क्या लग रहा है, पहले सो जाते हैं यार, रात हो रही भाई, गीले में सोना पड़ रहा है आज का दिन, देखो भाई गीले में सोना पड़ रहा है, इतनी गरीबी आ गई हमारे पास। अब गिर गया अरे बाबा, गोलेम बाबा यहाँ पे घूम रहे, गोलेम बाबा को पता नहीं यहाँ पर उनका कभी भी शिकार हो सकता है भाई, गोलेम का कभी भी यहाँ पे शिकार हो सकता है। अरे रे भाई कुछ ज्यादा मॉडर्न नहीं बन गई, मुझे नहीं समझ आ रही मेरी डिजाइन, सच बोल रहा हूँ भाई, हद से ज्यादा मॉडर्न मैंने कर दी, मतलब कुछ इतना भी वो नहीं है, इतना भी वो नहीं करना था पर मैंने कर दिया भाई, जान लो। चलो भाई ये अच्छा तो लग रहा है भाई, मानो या ना मानो अच्छा लग रहा है, नीचे से अच्छा लग रहा है ठीक है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बोल सकते फीका लग रहा है, थोड़ा सा तो फीका लग रहा है, और ऊपर से मॉडर्न ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है ठीक है, पर थोड़ा तो इसमें कमी, मतलब थोड़ी सी कमी लग रही है पूरे इसमें, पूरे मतलब पूरे बिल्ड में ठीक है, लग रहा है। वाओ अब लग रहा है ना, हाँ अब लग रहा है भाई, अब कुछ लग रहा है ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, मानो या ना मानो ठीक है अभी अच्छा लग रहा है। अब एक काम करना है मुझे, ऊपर जाकर भी यही काम करना है ठीक है, ऊपर जाकर भी मुझे पूरे रेड की ना पूरी दीवारें खड़ी करनी है, आपसे रेड की ऐसी दीवारें जाएगी, एसी एसी या फिर एसी एसी अच्छी नहीं लगी, एसी एसी अच्छी लगी, कोई लूक वहाँ से दिखेगा ठीक है, तो रेड वाले की दीवार मुझे यहाँ से खड़ी करनी, तो इसको हम यहाँ से खड़ी कर सकते ठीक है, इसको तोड़ के भाई क्या लग रहा है ये, मतलब जोकर पूरा जोकर बना दिया मैंने इस पूरे घर को भाई, देख सकते हो भाई पूरा का पूरा जोकर लग रहा है, पूरा घर जोकर जैसा लग रहा है। मैं इसको ऐसे करूँ तो रुको, नीचे से मैं लगी क्या बोल रहे, डोमिनोज वाली, डोमिनोज फ्रेंच फ्राइज, हाँ फ्रेंच फ्राइज वाली फीलिंग आ रही, देखो भाई क्या बनाया था, बनाया क्या है मैंने, ये घर ये गाँव वाले भी सोच रहे होंगे भाई क्या बना दिया तूने, ये लोग सच्चे भाई ये सोच रहे होंगे। चलो देखते हो ऊपर चल के ठीक है, मुझे अब पता है क्या करना है, रुको क्राफ्टिंग टेबल है ना उन सबको तोड़ के ना ऊपर ही ले आता हूँ यार, नीचे पड़ी हुई अच्छा नहीं लग रहा ठीक है, मेरे पास बहुत सारे वो ऊपर बच गए यार ग्लास, मुझे ब्लैक ग्लास बनाने ठीक है बहुत सारे। चलो अब जितने भी ग्लास है इन सबको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये पाँच पाँच इसका सारा जितना भी ज़्यादा ब्लैक ग्लास, बहुत बढ़िया ब्लैक ग्लास मेरे पास बहुत सारा बन चुका है। अब ब्लैक ग्लास का काम है ठीक है, अब है ब्लैक ग्लास का असली काम, जो मैंने सोचा था कि ब्लैक ग्लास को किस लिए यूज़ करना है, तो अब है असली काम, अब मैं बताता हूँ ठीक है क्या काम है इसका, थोड़ी सी कमी पड़ जाएगी ठीक है, पर आगे आगे का लुक तो मैं कर दूंगा सही सही ठीक है, देखते जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करने की कोशिश करते हैं, और नहीं हो सका तो नहीं होगा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम और करता हूँ कि मैं जो ना ये जो टॉर्च है ना, टॉर्च अच्छी नहीं लग रही है, और इस साइड बाहर ना थोड़ा सा लगना चाहिए यार, अच्छा घर ठीक अच्छा घर लग रहा है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसा मुझे चाहिए था ठीक है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर जरा फेंस वेंस लग जाए और जरा घास ग्रीनरी व्रीनरी हो जाए, मतलब समझ लो घास मतलब ग्रीनरी, जरा घास वास लग जाए चारों साइड, तो मुझे लालटेन बनानी वो देखो, जैसे कि टॉर्च यहाँ पे रखेंगे ठीक है, ऐसा नहीं रखो, मुझे याद नहीं उसकी रेसिपी याद नहीं, और इधर समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे क्या बनती है ठीक है,
इसको पहले यहाँ पे रखते, ठीक है, इससे ये बना लेते, ठीक है, इससे नगेट बना लिए। अब नगेट से मैं देखता हूँ कि नगेट से मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है। अब नगेट से क्या मैं वो बना सकता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसे बनने पे। ओ भाई चलो लालटेन बनेगी सारी, अब जितना भी लालटेन बना सारी सारी। हाँ भाई तो गाइस देख सकते हो अब मेरा घर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। जिसको पसंद आया घर भाई लाइक करना सब्सक्राइब करना, ठीक है। देख सकते हो यार बहुत अच्छा घर है, ठीक है, मस्त एक नंबर का। मैंने वो ग्रीन वाला लाया ऊपर, वो लगाने में थोड़ी सी लगी पर लगा दूंगा, वो मैं बाद में आराम से लगाऊंगा, ठीक है। बाद में कुछ मैंने उसके लिए अच्छा सोचा है, मैं बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा मैंने क्या मस्त सोचा उसके बारे में, ठीक है। वैसे ये बताना कि ये घर कैसा लगा तुमको यार। मैंने पहली बार ये घर बनाया, मतलब मॉडर्न हाउस में जो इतना ज्यादा ग्लास वाला है, इतना कॉन्क्रीट वाला मैंने पहली बार बनाया। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, इधर से नीचे जाने का अलग रास्ता है। तो चलो भाई मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। चलो एक फोटो भी खींची लेते ना। देखो भाई क्या ही मस्त घर बनाया मैंने, ठीक है, एक नंबर, क्या ही मस्त घर बनाया।